ये देखिए, ये सबसे हमको अट्रैक्टिव लगा है गणेश टेम्पल। इतना सुंदर सा गणेश घाट का गेट है, मेन गेट है। कैसे मिस कर सकते हैं, कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अपना अपना घर में ठीक है और हम भी ठीक है आप लोगों का विशेष से। तो फ्रेंड्स, आज है संडे, तो हम सोचे कि आज घर का सफाई कर लूँ थोड़ा बहुत। और एक होता है ना कि देखिए, सबका अपना अपना लाइफ होता है, सबका अपना अपना लाइफ जीने का एक तरीका होता है, घर में रहने का एक अलग नियम होता है, अलग तौर तरीका होता है। तो होता है ना कि मेरा जो, हम सोचा कि आप सबको मेरा तौर तरीका, मेरा लाइफ स्टाइल जितना सको हम दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम मतलब अलग कुछ नहीं है, सब नॉर्मल लाइफ का जैसे ही, आप सबका जैसे ही मेरा लाइफ भी है। तो फिर भी हमको लगता है कि थोड़ा सबसे अलग ही होता है सबका लाइफ ना, तो इसीलिए हम सोचे कि इस चीज़ को हम आप सबका साथ शेयर करते हुए आगे जाएगा और हमको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाबाश बेटा। और मेरा स्पेशल गेस्ट से आप कैसे मिस कर सकते हैं, कैसे इसको हम नहीं दिखा सकते आप लोगों को। तो अभी हम करेगा ब्रेकफास्ट, हस्बैंड जस्ट ब्रेकफास्ट करके अपना काम में लग गया। तो हम आज बनाया है ब्रेकफास्ट में मैगी। ब्रेकफास्ट कर लेगा, उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। हाय गाइस, सबको मेरा जो भी ये मेहनत हुआ है, मेहनत का फल दिखाएगा। ये सारा मेरा मेहनत का फल है। अभी एल्बम एक मिला है, मतलब उसको देख के एकदम पुराना याद लोग ताजा हो रहा है। तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी उस चीज को शेयर करूं। 12 पार कर लिया था तब, हम घूमने गया था तब का। और ये रहा, ये व्हाइट साड़ी में जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली मेखला चादर है। ये जब मेरा नर्सिंग का था ना, तब हम ऐसा गेटअप में था, ये मेरा नर्सिंग टाइम का फ़ोटो है। तो और ये सब तो मेरा सिंगल पुराना पुराना ताज़ा ताज़ा फ़ोटो। ये मेरा बीच वाला दीदी, और ये पार्क घूमने गया था। और ये दखोना जो ये बोरो लोग का ड्रेस होता है वो था में था। ये मेरा बड़ा दीदी, बीच वाला दीदी के बाद। और ये मेरा स्टेप मदर और मेरा पिताजी, कितना जवान जवान है देखो। और मेरा फ्रेंड है। और ये मेरा बड़ा पिताजी है, लेकिन अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका 1.5 ईयर्स हो रहा है। और ये है मेरा फैमिली फ़ोटो। ये जब हम लोग फर्स्ट ईयर में था, तब हम गुवाहाटी गया था हमको एक एग्ज़ाम देने के लिए। और ये मेरा कॉलेज का टाइम का है, देखो ना कैसा। और ये मेरा छोटा सा दिशा, जिसको मेरा बहन, देखो इतना छोटू सा था, इतना बड़ा हो गया अभी। और ये फ़ोटो ना सबसे मतलब कॉमेडी और सबसे प्यारा फ़ोटो है ये मेरा। देखो ना, ये जब क्लास 12 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था तब का है ये। ये लोग मतलब ऐसा फ़ोटो, जिसका बर्थडे है उसी का गला दबा रहा है, देखो कैसा बदतमीज दोस्त लोग था। और ये था हम लोग, देखो इतना जंगल में पार करके स्कूल जाता था। ये हम लोग एकदम बेस्ट फ्रेंड। ये मेरा नानी माँ था, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। और ये एक तो डांस हम लोग किया था, राजस्थानी डांस था, ये उसका गेटअप है। और ये है मेरा रियल माँ और पिताजी, देखा ना कितना सुंदर था मेरा माँ। मेरा माँ एकदम ये देखो नानी से मिलता था। ये एक फ़ोटो है, ये देखो, ये हम दोनों 2011 में सबसे फर्स्ट क्लिक किया था, जब हम लोग का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। तो 2011 और अभी 2022 में जाके हम लोग का मैरिड हो गया। तो तब का ये सबसे फर्स्ट फ़ोटो है, देखो मतलब दोनों कैसा था ना देखने में। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सबका साथ एल्बम शेयर करके। सुबह से जो काम शुरू किया था वो अब जाके ख़त्म हुआ है। हम आप लोगों को टाइम दिखा देते हैं, 3 बजने के लिए पूरा पूरी 10 मिनट है और अभी जाके काम कर। तो फ्रेंड्स, अभी खाना वाना खा लिया और हस्बैंड गया अपना काम में, और हमने गया आज क्योंकि हम दीदी माँ और गुट्टू का साथ आज फिर से कोल पार्क जा रहे हैं। फटाफट रेडी होता है और रेडी होने का बाद आप लोगों को मिलते हैं। 1 2 3
एंट्रेंस, अभी रेडी हो गया हम। ये रहा मेरा आज का ड्रेस। तो अभी हम यहाँ से दीदी का घर जाएगा, फिर दीदी, माँ और कुट्टू वही है, तो वहाँ से फिर हम लोग क्या से जाएगा आप लोगों को पता है ना, हाँ टमटम से जाएगा। तो आपको सीधा हम कहाँ कहाँ मिलेगा पता नहीं, बट मिलते रहेगा। तो क्या बोलूँ, गर्म का तो एक अलग ही लेवल है। तो शाम को, लेकिन पार्क का अंदर घुसने का बाद ना थोड़ा पेड़ वेड़ है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है, इतना गर्म नहीं लगता है। जा रहा है मेन मोटिव पे पार्क जाने का, माँ को घुमाने के लिए, क्योंकि माँ बस घर में ही रहता है, इधर उधर इतना जाना नहीं होता है। हम दो बार ले गया था, तो हमने सोचे कि चलो आज संडे है तो मिल के दीदी और हम पार्क लेके जाते हैं माँ को। तो चलो रास्ता पहुँच गया मेन रोड, अभी हम लोग पार्क जाने के लिए निकल गया। माँ और दीदी पीछे है और ये मेरा साथ है। बोलो Two thousand years later. तो एक बैड न्यूज़ ये है कि हम लोग कोल पार्क गया था और कोल पार्क आज बंद है, और पता नहीं क्यों बंद है। तो हम लोग अभी प्लान को चेंज कर दिया, और अभी हम लोग सोचा अभी इतना मेहनत से आया ही है तो कम से कम कुछ तो देख लेगा और आप लोगों को भी दिखा देगा। तो हम सोचे कि गणेश घाट जाता है, तो अभी हम लोग गणेश घाट में आया है। तो आपको मेन गेट देखिए कितना सुंदर है गणेश घाट का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा पीछे इतना सुंदर सा गणेश घाट का गेट है, मेन गेट है। तो अभी हम लोग अभी जस्ट इसका बाहर है और आपको दिखाते हुए अंदर एंटर करेगा। और मेरा साथ दीदी है। दीदी हाय, सब लोग कैसे हैं? तो इस तरह से अनीता को प्यार देती रहिए, इस तरह से उसका ब्लॉग को देखती रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स सीधा है कोल पार्क, उसी का लेफ्ट साइड में गणेश घाट का मंदिर है, और ये बजरंग बली का सबसे बड़ा स्टेचू है जो अपना हाथों में संजीवनी द्रोणाचल पर्वत को अपना हाथों में उठाया हुआ है। और यहाँ आपका एंट्री फी फ्री है। ये देखिए गेट में एंटर करते समय ही लेफ्ट और राइट साइड में आपको दो साइन बोर्ड मिलेगा, आप यहाँ में अच्छे तरीके से दोनों लैंग्वेज में असमिस और इंग्लिश में लिखा हुआ है देख सकते हैं। तो चलिए अभी आपको अंदर का नज़ारा दिखाता है। वो एंटर करते समय यहाँ में मिलेगा। तो फ्रेंड्स अब एंटर करता है, ये है गणेश घाट का गणेश मंदिर जो बहुत ही पुराना और फेमस है। अभी बाहर का एक बार नज़ारा देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को लेके जाएगा मंदिर का अंदर। और ये है अंदर का नज़ारा देखिए, जिसको गणेश को एक बहुत ही बड़ा पत्थर है जिसको काट के गणेश का मूर्ति बनाया गया है। इससे पता चलता है कि पहले जमाना का लोग कितना ही श्रद्धालु था, तो बहुत ही दूर दूर से लोग गणेश का दर्शन करने आते हैं। तो आप सब भी एक बार गणेश घाट में जरूर, गणेश मंदिर में एक बार विजिट कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स मेरा पीछे है गणेश का मंदिर, ये जो बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस है तेजपुर का। और अभी शाम का आरती भी होगा, आप घंटी सुन सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा इधर आके। देखिए एक चीज़ देखो गाइस कितना सुंदर है, और ये हाथी जो फूल लेके तैयार बैठा हुआ है। और ये गेट है जहाँ से आप ब्रह्मपुत्र रिवर को पूरा क्लियरली देख सकते हैं। और ये देखिए ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, कितना सुंदर नजारा है। पानी एक्चुअली अभी बड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए अभी आपको ये जो हम लोग पहले वो आप देख रहे हैं वहां तक जाने देता था, लेकिन अभी यहाँ में आपका ये देखे बंद करके रखा हुआ है, आपको यहाँ से नीचे जाने नहीं दे रहा है क्योंकि रिस्क का बात है, कभी भी पानी बढ़ सकता है। तो यहीं से आप एक बार देख लीजिए नज़ारा कितना मस्त लग रहा है। कुट्टू बोलो केमन लगे छे? बुरा, क्योंकि पोल पार्क बंद हो गया इसलिए इसको बुरा लग रहा है। हां गणेश घाट में आया, बोलो अच्छा लगे, लेकिन एक मानुष बहुत भीड़ आज के, किंतु अनेक भीड़ आते क्योंकि कोल पार्क बंद है ना, इसलिए सब लोग ये सोच रहे हैं कि कोल पार्क बंद है, सब लोग सोच रहे हैं कि चलो गणेश घाट ही चक्कर मारते हैं। दांत को अच्छी तरह से देख लीजिए। नहीं अभी फिर भी पान खाता है, पान खाता है वो होता, फिर भी अभी तो थोड़ा ठीक है, पहले आपको तो और दिखाई नहीं दे रहा था। अभी हम लोग हाँ
तो अभी हम लोग जाएगा कहाँ जो पार्क में आइसक्रीम खाएगा। घर का सामने एक बच्चा को एंटरटेन करने के लिए पार्क भी है, तो अभी हम लोग वहाँ कुट्टू को लेके जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम वाला गेट है, एक ही आदमी जा सकता है एक टाइम। अभी मेरा टर्न, एक ही आदमी लॉक हो गया ऐसा लग रहा है। गेट पार्क में एंटर करते ही हमको ये साइन बोर्ड दिखा, तो हम सोचा आप लोगों को दिखा देते एक बार। भी लग गया कुट्टू खेलने के लिए, अभी उसको थोड़ा मन में अच्छा लगा खेलने मिलके। हम लोग का तेजपुर में ना एक बहुत ही फेमस घोटी गरम है, जो चना वना बिक्री करता है वो यहाँ का बहुत ही फेमस है, और वो साइड में चना बिक्री कर रहा है, और तो हमको लगा कि उसको भी एक बार शॉर्ट में ले लेना चाहिए। और वो ना गाना अपना हिसाब से गाना गा करके बहुत ही फेमस है वो यहाँ का। आप लोग वो नेट में भी फेमस, यूट्यूब में भी इनफैक्ट यहाँ तक कि वो फेमस है। तो एक बार आपको हम वो लोग का उसका गाना गाने वाला सुनाते हैं, चलो घोटी गरम वाला का। आप लोगों को घोटी गरम वाला अभी दिखा दिया, वो एकदम बिंदास मस्त में गाना गा के अपना एकदम चना बिक्री कर रहा है। और ये पार्क में ना एक ही खासियत है, बहुत छोटा पार्क है, लेकिन इसमें सिर्फ आपका लेडीज मतलब एंटर कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ में जेंट्स अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा है। तो देखिए आप यहाँ पीछे में ब्रह्मपुत्र और उसका सामने हम खड़ा होकर रखा है, कितना मतलब अच्छा लग रहा है हमको, आप लोगों को बता नहीं सकते हम। और मतलब शाम हो गया ना तो व्यू भी इतना अच्छा लग रहा है, एकदम शांत, लेकिन बहुत भीड़ है वो बात अलग है। लेकिन बोलता ना नेचर अपना जगह और हम लोग अपना जगह, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोग एक बार ज़रूर गणेश घाट में विजिट कीजिए, यहाँ आके आप लोगों को बहुत ही अच्छा और मन का शांति मिलेगा। पार्क बंद कर रहा है, 6:30 हो गया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखो कितना भीड़ लगा हुआ है। पार्क से निकलते ही आपको साईं बाबा और भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा। ओ देखो मून कितना सुंदर लग रहा है। तो मेरा पीछे छूट गया गणेश घाट, अभी हम लोग जा रहे हैं मेन मार्केट होके जाएगा। तो दीदी बताइए आपको गणेश घाट जाके कैसा लगा? मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन आज थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा आदमी लोग था, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा था, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा था, ऊपर से हवा नहीं था आज। हाँ हवा अभी भी नहीं है हवा, लेकिन गाइस अभी हम लोग यहाँ से एक मटका खरीदने आया है जिसमें बिरयानी बना सको, तो अभी ले लिया। देखो एक एक चीज़ यहाँ जो आप देख रहे हैं सब हाथ से बनाया गया और मिट्टी का है ये सब। ये देखिए ये सबसे हमको अट्रैक्टिव लगा है, दुर्गा माँ का फोटो। ঠাকুরের মানে প্রতিমা মানে প্রতিমার কাজ করি, হ্যাঁ, আর কলকাতা থেকে মালা নিয়ে সব দেশটা না সব কলকাতার মাল, আমরা ঠাকুর বানাই, আমরা ঠাকুর বানাই, আমরা বড় বড় ঠাকুর বানাই। सो काको ने बताया कि उन लोग दुर्गा का प्रतिमा बनाता है, और ये दुकान में जितना सामान मैंने आप लोग को दिखाया वो सब कोलकाता से लेके आते हैं। देखिए लोग चुपा चुप खा रहा है कचौड़ी, मुझे छोड़। और फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गया अपना घर। तो आज का दिन कैसा लगा आप सबको बताना जरूर। हम ये ब्लॉग यहीं एंड करता है, और उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो और ये ब्लॉग जरूर पसंद आओ। और फ्रेंड्स वेट करना, मेरा नया ब्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसमें भी प्यार भरपूर प्यार देना। और जो ये चैनल को नया देख रहा है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्दी।